अमरिंदर सिंह है और भारतीय सेना में 17 साल सर्विस करने के बाद में यहाँ पे आपके साथ भारतीय सेना में। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया फोर्स साहब, बहुत बढ़िया। तो मैं कोटा के बारे में बताऊँगा आपको कि कोटा को औद्योगिक और शैक्षणिक नगर की बोलते हैं। कोटा चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कोटा के जो प्रारंभिक शासक थे वो कोटिया भील थे, जिसको बूंदी के हड़ा शासक समर सिंह ने युद्ध करके अपने बूंदी राज्य में मिला लिया था। तत्कालीन मुगल बादशाह शेर शाह ने उसे वहाँ से अलग करके शाहजहाँ ने अलग करके उसे अलग से रियासत बना दिया था। और कोटा के जो प्रमुख मेले और त्यौहार है, दशहरा मेला है, महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है वहाँ पे धूमधाम से। कोटा में प्रमुख मंदिर भी है, कंसुआ के महादेव जी का मंदिर है, डाढ़ देवी माता का मंदिर है। इस तरह कोटा में बहुत प्रमुख मंदिर भी है। कोटा को आधुनिक भारत का नालंदा भी कहा जाता है, राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। कोटा में कोटा स्टोन बहुत है मिलता है। कोटा में घूमने लायक बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि चंबल गार्डन है, अभेड़ा महल है, रिवर फ्रंट है, और गणेश गार्डन, सिटी गार्डन है, गणेश गार्डन है। कोटा में मंदिर भी बहुत सारे हैं। मथुरादीश जी का मंदिर है जो वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। कहाँ पर है ये मथुरादीश जी? केतुनीपोल में सर, कोटा में। पाटनपोल वो केतुनीपोल में पड़ता है सर, कोटा में पड़ता हो। तो मैं गया हूँ मथुरादीश जी मंदिर में सर, गया हूँ। वो तो मैं ही कह रहा हूँ, मुख्य स्थान पाटनपोल है, मथुरादीश जी का मंदिर है। केतुन में किसका मंदिर है? केतुन में भगवान केशव राय जी का है। विभीषण जी का मंदिर है केतुन। आप तो गए हो ना उसमें? नहीं गया ना सर, विभीषण मंदिर का। यहाँ की साड़ियाँ प्रसिद्ध है, यहाँ की कोटा डोरिया और मसूरिया साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। बाकी यहाँ पे जो ब्लैक पॉटरी भी है। इसके अलावा यहाँ पे घूमने लायक जगह है शारबाग की छतरियाँ हैं, शारबाग की छतरियाँ, किशोर गार्डन है, छत्रविलास उद्यान है, सीवी गार्डन है, ये सब घूमने लायक प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर बदाना माता जी का मंदिर भी है जो आड़ा शास्त्रों की कुलदेवी है। बाकी कोटा में जो है, कोटा एक संभाग है जिसमें आड़ा राजपूतों हड़ौती अंचल में आता है, जैसे हड़ौती एरिया कहा जाता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस एरिया को हड़ौती एरिया कहा जाता है। और बाकी तो सर धन्यवाद सर। अच्छा, धन्यवाद से पहले कुछ काम, रोज नंबर आएगा सभी का। तो साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने भारतीय सेना में इतने समय तक नौकरी करने के बाद दोबारा पढ़ने का जो ये जज्बा पाया, ये क्यों पाया आखिर? कैसे क्यों आपका मन किया कि मैं दोबारा पढ़ाई करूं, जबकि आप तो नौकरी करके आ ही चुके हो? पढ़ने का शुरू से शौक है सर, पढ़ने का शुरू से शौक है। और दूसरी बात ये कि घर पे बैठ के भी क्या करते हैं, सही है, बच्चे हैं और अभी उनके आगे भविष्य का प्रोग्राम करना है, उनके जो भी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सिटी, अपने बहने हैं, उनका बात मायरा, बहुत सारी जिम्मेदारी है। घर में मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, सबसे छोटा भाई है, एक बहन है, बहन की शादी ऑलरेडी कर चुके हैं, और छोटा भाई अभी फिलहाल बेरोजगारी है, वो भी अपना MR वगैरह में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है। तो उसको आप कोई सरकारी नौकरी तैयारी नहीं करवा रहे? उसकी सर एज हो चुकी है, वो अभी नहीं कर सकता। 32 के आसपास हो गया वो। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से उसकी प्राइवेट जॉब कर रहा है वो। आपकी उम्र लगभग क्या है सर? 37 है सर। 37 साल की उम्र में आप पढ़ रहे हो? हाँ जी सर। आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि मेरी कमर दर्द हो रही है, आलसपन आ गया, मैं क्या करूँ? क्योंकि ये कुछ ये युवा लड़के मुझे लगता नहीं है इतना पढ़ते हैं। सब पढ़ते सर? नहीं नहीं पढ़ते, अभी देख रहा था ना वो, मैं एक वो बोल रहा था ग्रुप में जितने भी सर सब पढ़ते हैं। आपका ग्रुप अलग से बना हुआ है? ग्रुप मतलब जो मेरे साथ में जिनसे मेरा अच्छा ट्यूनिंग है, जिनके साथ बैठता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सभी पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ते हैं, बाकी सभी अच्छा पढ़ते हैं। आप राजस्थान के इतिहास में किसी एक राजा के बारे में इनको क्या बताना चाहो, कोई भी एक राजा जो आपका मन करे? राजा मालदेव। बिल्कुल बताओ। मालदेव जो है मारवाड़ का शासक था, जिसे पितरंता भी कहा जाता है, और मालदेव को 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। मालदेव ने शेरशाह सूरी के साथ में गिरी सुमेल का युद्ध किया था। कब किया था? 1544 ईस्वी में किया था। बहुत बढ़िया, गिरी सुमेल का युद्ध किया था, लेकिन शेरशाह सूरी ने गलत पर्चे या गलत मैसेज भिजवा करके मालदेव को का माइंड डाइवर्ट कर दिया था। उसके बाद में उसके जो शासक थे जेता और कुंपा, हाँ हाँ, उन्होंने मिलकर के शेरशाह सूरी से युद्ध किया। शासक नहीं थे, सेनापति थे जी, उन्होंने मिलकर के शेरशाह सूरी से युद्ध किया, और युद्ध में हालांकि हार जो है मालदेव की हुई थी,
क्योंकि मालदेव वापस आ गया था, पीछे जेता और कुंभाई रह गए थे, और उस इस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने एक शब्द कहा था कि मैं दो मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह को देता हूँ, मुट्ठी पर बात हिंदुस्तान की बादशाह को बैठा, हिंदुस्तान की बादशाह को देता हूँ। मालदेव की पत्नी कोई, मालदेव की पत्नी अरे सर वो जैसलमेर वाली, कौन सी, रूठी रानी आजीवन किस दुर्ग में रही, ये तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में, रूठी रानी कविता है वो किसने लिखी है, रूठी रानी कविता ये तो ये सर केसरी सिंह भारत, केसरी सिंह भारत, बहुत बढ़िया फोर्स साहब के लिए, ठीक आया।